हे गाइस, क्या चाल है? आई होप आप स्वच्छ होंगे। दोस्तों, मुझे काफ़ी सारे क्वेरीज आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। जो गल्फ कंट्री में लोग रहते हैं उनके मुझे बहुत क्वेरीज आते हैं कि सर, हमारे पास एक्सपीरियंस तो है, हम कनाडा में जॉब करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं? क्योंकि हम कोई बंदा मतलब पाकिस्तान से बिलोंग करता है, कोई बंदा इंडिया से बिलोंग करता है, और कोई बंदा नेपाल से, भूटान से, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। नेशनलिटी उनकी अलग है, लेकिन वो काम करते हैं मिडल गल्फ़ में, यानी कि सऊदी, दुबई, कतर, ओमान। ठीक है, जो इस टाइप की कंट्रीज है वहाँ पर काम करते हैं, उनको एक्सपीरियंस काफ़ी है। तो उनके लिए कौन सा प्रोग्राम सही है, क्या वो तरीका है जिस प्रोग्राम के थ्रू वो लोग जा सकते हैं डायरेक्टली कनाडा? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिनके पास में एक्सपीरियंस है उनके लिए बेस्ट है इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, इसके थ्रू आप डायरेक्टली जा सकते हो कनाडा। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको एक कैनेडियन फॉर्मेट का सीवी कवर लेटर बनवा लेना, जो आपका जॉब प्रोफाइल है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो क्लीनर जॉब हो, चाहे वो आईटी से रिलेटेड कोई भी जॉब हो। ठीक है, कोई भी अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप उसका सीवी बना लीजिए। आप खुद भी बना सकते हैं या फिर अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हैं, मेरे थ्रू भी इसको बनवा सकते हैं। वो अपना जो प्रोफाइल है वो आपको सेंड कर देना। कहाँ आपको सेंड करना है ये मैं आगे आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं और आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि IMP प्रोग्राम हुआ कनाडा का और लिमे प्रोसेस। ठीक है, दोनों के बारे में और बता देता हूँ। तो गाइज, मैं यहाँ पर आपको तीनों तरीके बताऊँगा, कैसे आप IMP प्रोग्राम के थ्रू जा सकते हो, कैसे आप लिमे ले सकते हो, और कैसे आप कनाडा के इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा प्रोग्राम के थ्रू आप जा सकते हो कनाडा। तो मुझे बहुत सारे क्वेरीज थे कि जिनका एजुकेशन कम है, लाइक 8 क्लास, 9 क्लास या फिर बिलो 6 क्लास, लाइक 5 क्लास तक एजुकेशन है, तो क्या वो कनाडा जा सकते हैं या फिर बिल्कुल नहीं जा सकते? इस बात का हमें डायरेक्ट जवाब दीजिए। गाइस, ऑफ कोर्स आप कनाडा आ सकते हो, अगर आपका एजुकेशन कम है, लाइक 5, 6, 7 क्लास है, तो भी आप यहाँ पर आ सकते हो। कोई भी यहाँ पर आपको IELTS की, कोई भी लिमे की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिमे प्रोसेस से अगर आप आते भी हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो कि लिमे प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ सकता है, लेकिन उसमें आपको IELTS भी चाहिए। और लिमे प्रोसेस अगर आप आ रहे हो तो कनाडा में ऑलमोस्ट आपको 4 से 5 महीने लग जाते हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। एंड इसका जो फ़ी है वो भी ऑलमोस्ट आपको 60 से 70,000 इंडियन रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप IMP प्रोग्राम के थ्रू या फिर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा प्रोग्राम के थ्रू आ रहे हो, तो आपको यहाँ पर ऑलमोस्ट 2 या फिर 3 वीक के अंदर वीज़ा मिल जाता है। तो गाइज, हम यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर मोस्ट डिमांडिंग जॉब यहाँ पर कौन कौन से, जिनके लिए आपको अप्लाई करना चाहिए, और बहुत सारे इंडिया के जो बंदे उनको जॉब इसी फील्ड में मिल रहे, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं सुपरमार्केट। यहाँ दोस्तों, सुपरमार्केट में ना इस टाइम पर इतने सारे जॉब यहाँ पर, जो काफ़ी बड़े बड़े सुपरमार्केट है कनाडा के अंदर, वहाँ पर लड़कों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बाहर बैनर लगे हुए, बोर्ड लगे हुए, अर्जेंट हायरिंग चालू है, लड़कों की, लड़कियों की यहाँ पर ज़रूरत है, चाहे वो मर्चेंडाइज का जॉब हो, चाहे अगर आप यहाँ पर लाइक क्लीनर का जॉब कर सकते हो सुपरमार्केट के अंदर, एंड ट्रॉली बॉय का जॉब कर सकते हो, सुपरमार्केट सुपरवाइजर का जॉब कर सकते हो, इस तरह से वेयरहाउस वर्कर, फैक्ट्री वर्कर का यहाँ पर जॉब होता है। तो दोस्तों, इस तरीके के यहाँ पर बहुत सारे जॉब है, लाइक बुचर का यहाँ पर जॉब है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होते हैं मॉल के अंदर, सुपरमार्केट के अंदर, तो वहाँ पर आपको बुचर का जॉब मिल जाएगा, एंड फूड काउंटर अटेंडेंट का जॉब मिल जाएगा। काफ़ी अलग अलग फूड काउंटर वहाँ पर होते हैं सुपरमार्केट में, लाइक फ्रूट काउंटर हुआ, एंड ड्राई फ्रूट काउंटर हुआ, एंड जो ये मिल्क वाला डिपार्टमेंट होता है, दही वगैरह ये सब चीज़ें होती है, मतलब ये अलग अलग एक डिपार्टमेंट आपने देखे होंगे सुपरमार्केट के अंदर। तो इस तरीके के यहाँ पर दोस्तों आपको जॉब मिल जाएंगे। आपको जिस भी कैटेगरी में अप्लाई करना है उसका आपको CV का लेटर बनवा लेना है, और जॉब आपको कैसे अप्लाई करना वो मैं आगे आपको बताऊँगा। दोस्तों, अगर आप कनाडा आ जाते हो, कनाडा में आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिलती है, लाइक 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ आप बहुत ही आराम से कमा सकते हो बिना किसी टेंशन के। अगर आप इंडिया में रहोगे, इंडिया में आपको कितना सैलरी मिलेगा, 10,000-15,000, और अगर आप किसी गल्फ़ कंट्री में जॉब करोगे, यहाँ पर आपको 30,000 और 40,000 बस इतना ही मिलेगा सैलरी, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप किसी भी, कनाडा भी छोड़िए आप, ठीक है, आप UK में ट्राई करें, ऑस्ट्रेलिया में ट्राई करें, और जर्मनी हुआ, इटली हुआ, और कनाडा तो है ही, ये कुछ ऐसा कंट्री है जहाँ पर आपको सैलरी पैकेज बहुत ही मतलब कमाल का मिलता है, एकदम बहुत जल्दी आप रिच मतलब करोड़पति बन जाओगे, मिलियनेयर। तो इन कंट्री में आपको ट्राई करना चाहिए। तो इस टाइम पर तो बेस्ट है कनाडा, क्योंकि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया दोनों में इस टाइम पर जॉब है, तो कनाडा में आप अप्लाई कर सकते हो सुपरमार्केट जॉब। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है यहाँ पर फॉर्म वर्कर जॉब। दोस्तों, फॉर्म वर्कर में काफ़ी सारे लड़कों के अभी जॉब लग चुके हैं, मेरे थ्रू ही कुछ लड़कों के जॉब लगे हैं,
जिनको जो ऑफर लेटर आया मैंने चेक करके बताया एकदम रियल था, और उन लोगों ने मतलब CV मेरे थ्रू ही बनवाया था कनाडा का। तो फार्म वर्कर में आप यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और फार्म वर्कर में मतलब ड्राइवर भी इंक्लूड है, ठीक है, ड्राइवर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, फ्रूट पैकेजिंग जो पैकेज वगैरह करना रहता है उसके लिए, और फ्रूट पिकर का जॉब। तो गाइज ये कुछ इस तरह के जॉब है, इनके लिए आप लाइक हेल्पर वगैरह का जॉब हुआ, इन जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, फार्म वर्कर में आपको जॉब मिल जाएगा। सेकेंड हम यहाँ पर बात करते हैं होटल। दोस्तों होटल में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, जो बड़े बड़े होटल है आपने देखा होगा, जैसे कि मैरियट होटल हुआ और कोस्टा कॉफी रेस्टोरेंट हुआ, इस तरह के यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े होटल है, यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगा। एंड गाइज हिल्टन होटल में भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ होटल से रिलेटेड जॉब है, लाइक वेटर का हुआ, डिश वाशर का हुआ, क्लीनर का हुआ, हाउस कीपर का हुआ, तो इस तरह की जो जॉब है, अगर आप फीमेल हो तो फीमेल भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइक रिसेप्शनिस्ट का जॉब है उसके लिए आप अप्लाई कर दीजिए, किचन हेल्पर का जॉब है, फ्रेशर लोग भी अप्लाई कर सकते हो। जॉब है गाइज ये सबसे ज़्यादा जॉब लड़कों को मिल रहे हैं जो इंडिया से कनाडा आना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगर आपका एजुकेशन 6 या फिर 7 क्लास है तो आपको कौन सा जॉब अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फॉर्म वर्कर का जॉब अप्लाई करिए, इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, एक्सपीरियंस रहेगा तो भी मिल जाएगी जॉब, और नहीं है तो भी इट्स ओके चल जाता है। यहाँ पर रेस्टोरेंट में बहुत लड़कों की डिमांड होती है, लाइक डिलीवरी बॉय की भी यहाँ पर जॉब आपको मिल जाएगी, एंड टैक्सी ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, और सेकेंड चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो बार बार होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, बार बार लोग भी कनाडा जा सकते हैं, अगर आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, इंग्लिश वगैरह आता है, तो लिमे प्रोसेस के थ्रू आप यहाँ पर जा सकते हो। तो गाइज जो भी मैंने यहाँ पर आपको जॉब बताई है मैं आपको स्क्रीन पर लेकर दिखाऊंगा कैसे आपको इन जॉब के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि सिर्फ बताने से बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कहाँ पर आपको अप्लाई करना है। इन सभी जॉब को अप्लाई करने से पहले आपके पास में होना चाहिए एक कैनेडियन फॉर्मेट का CV और कवर लेटर, तभी आप इन जॉब को अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज किसी और फॉर्मेट से आप जॉब अप्लाई करोगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेक श्योर दैट यू मस्ट हैव कैनेडियन फॉर्मेट CV एंड कवर लेटर। तो CV कवर लेटर के थ्रू आप जॉब अप्लाई कर दीजिए, जैसे आपका CV यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होता है आपको ईमेल आ जाएगा, तो जैसे आपको ईमेल आएगा इंस्टेंटली किसी कंपनी में ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, किसी में ऐसा होता नहीं लिया जाएगा, तो आपका इंटरव्यू क्रैक होने के बाद में आपको कंपनी जॉब ऑफर लेटर देती है, साथ में कॉन्ट्रैक्ट पेपर आपको मिलता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर में सारी चीज़ें मेंशन होती है कि कितना आपको सैलरी प्रोवाइड करेगी कंपनी, अकोमोडेशन कंपनी देगी या नहीं देगी, वो सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, एंड आपका जो मतलब उसमें टाइम लिखा रहेगा कितने आवर्स का आपका ड्यूटी है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि आप ब्रेक नहीं कर सकते, जो कि रूल होता है कंपनी का, और वहाँ पर आपको सिग्नेचर करके देना पड़ता है, यानी आई एग्री फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ प्रोवाइडेड बाई कंपनी। तो जो कंपनी ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसको आप एग्री करते हो, वहाँ पर आपको साइन करके वापस कंपनी को एक कॉपी सेंड करना पड़ता है, जैसे आप यहाँ पर वापस सेंड कर देंगे उसके बाद में आपका वर्क वीज़ा का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। तो अगर आप IMP प्रोग्राम के थ्रू भी जाओगे तो 14 से 15 हज़ार का आपका खर्चा हो जाएगा। बेटर है आप IMP प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको लिमिए प्रोसेस से भी नहीं गुजरना पड़ेगा, और फास्ट ट्रैक प्रोसेस यहाँ पर आपका हो जाएगा, कोई इंग्लिश टेस्ट भी आपको यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा, तो एक्सपीरियंस रहेगा तो बेस्ट है, आपको जल्दी जॉब मिलेगा। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कैनेडियन फॉर्मेट का CV बनवा लेना, ठीक है। अगर आप मेरे थ्रू CV बनवाना चाहते हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप CV कवर लेटर के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आप जॉब अप्लाई खुद से करना चाहते हो तो कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ पर खुद से अपना जॉब अप्लाई कर सकते हो, CV कवर लेटर आपको सेंड करना है यहाँ पर जो मैं आपको साइट बताने वाला हूँ। अदरवाइज़ अगर आपसे CV कवर लेटर सेंड करना नहीं आता, जॉब अप्लाई नहीं करना आता, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, जो भी कुछ नॉमिनल चार्जेस पर आपको मैं जॉब अप्लाई करके प्लस CV कवर लेटर बना के दे दूँगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो भी मैं यहाँ पर आपको जॉब बता रहा हूँ, कनाडा में इस टाइम पर अर्जेंट हायरिंग चालू और एकदम न्यू यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जॉब अभी ये पोस्टेड किया गया, इसमें आपको कितना यहाँ पर सैलरी देख लीजिए पर आवर्स के हिसाब से आपको $32 कैनेडियन डॉलर पर आवर्स के हिसाब से आपको मिल जाएगा, प्लस दोस्तों यहाँ पर फुल टाइम जॉब है, और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर आपको ओवर टाइम भी मिलेगा, ठीक है। दोस्तों वेयर हाउस जॉब या फिर फैक्ट्री वर्कर जॉब, ये जॉब बहुत अच्छी होती है अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हो और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो कम टाइम में कनाडा में रहकर, तो ये आपके पास में गुड ऑप्शन है। इसके लिए दोस्तों कोई हाई एजुकेशन की जरूरत नहीं होती, बस फिजिकली आप थोड़ा फिट रहोगे तो बेस्ट है, एंड एज आपका 18 से 55 के बीच में है तो इट्स ओके, आपको ये जॉब मिल जाएगा। तो यहाँ पर वेयर हाउस क्लर्क की जॉब है, अगर एजुकेशन आपका 12+ है तो यहाँ पर आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको एक्सपीरियंस भी है या फिर आप एज ए फ्रेशर जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो वेयर हाउस वर्कर फैक्ट्री वर्कर में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो।
सेवन एट क्लास एजुकेशन है तो भी चलेगा, इट्स ओके, लेकिन यहाँ पर आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए, ठीक है। वेयर हाउस रिसीवर का जॉब है, यानी जो सामान आता है बड़ी बड़ी कंपनी से वेयर हाउस में, उसको आपको एक मशीन रहता है उसमें बार कोड स्कैन करना पड़ता है, और जो सामान रहता है प्रोडक्ट आता है उसको आपको यहाँ पर रिसीव करना पड़ेगा, और जो सुपर मार्केट में या फिर कहीं भी जो सिस्टम रहता है कंपनी में उसमें आपको एंट्री करनी पड़ती है जो सामान आपने रिसीव किया है। तो इस तरह का जॉब होता है वेयर हाउस रिसीवर। इसमें दोस्तों आपको 18 से लेकर $20 पर आवर्स के हिसाब से आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब है, इनको आप सर्च कर लेना, बड़े आराम से आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कैनेडियन फॉर्मेट का CV है तो ही यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर आपको बहुत कम चांसेस है जॉब मिलेंगे। पिकर पैकर का जॉब है, ठीक है। पिकर पैकर यानी एक तरह से लेबर का जॉब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जो कंपनी में सामान आता है उसको मतलब लोडिंग अनलोडिंग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये जॉब होता है, तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल लेबर का जॉब है, तो काफ़ी अच्छे अच्छे जॉब इस टाइम पर आए हुए, और अच्छी बात ये जो मैं यहाँ पर आपको जॉब दिखा रहा हूँ न्यू जॉब है, कोई यहाँ पर पुरानी जॉब आपको मैं नहीं दिखा रहा हूँ, एकदम न्यू लिस्टेड की गई है। तो यहाँ पर आपको दोस्तों बिना किसी देरी के आपको अप्लाई कर देना, CV का अल्टर नहीं तो बनवा लेना कैंडिडेट फॉर्मेट का। तो यहाँ पर आपको 2-3 स्टेप करना पड़ेगा, रजिस्टर करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी कन्फर्म ईमेल आईडी और पासवर्ड आप जो भी चाहे वो रख सकते हो, ठीक है। इसमें ये नहीं कि जो आपका ऑलरेडी पासवर्ड है वही रखना, जो भी नया पासवर्ड बनाना चाहते हो बना सकते हो। रजिस्टर कर लेना, और रजिस्टर करने बाद सिंपली यहाँ पर 2-3 स्टेप आपको पूरे करने पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपका जॉब अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो जाओगे आपको जॉब मिल जाएगा, कंपनी तरफ से ईमेल आएगा, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू होने के बाद में आपका सिलेक्शन हो जाएगा गाइस, और उसके बाद में आपको कंपनी तरफ से जॉब ऑफर लेटर कॉन्ट्रैक्ट पेपर मिल जाएगा, देन आप जा सकते हो कनाडा। तो गाइस ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो यहाँ पर आपको नंबर दिखाई दे रहा हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो चलिए गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।